Hello everyone, today our lecture is based on the cytotaxonomy. ठीक है, cytotaxonomy that help the taxonomy to identify or to classify the different organism. ठीक है, so the study of the chromosome number and their behavior, their structure that define the taxonomical classification of any organism, that is known as cytotaxonomy. ठीक है, तो जो cytotaxonomy है उसके अंदर हम क्या study करते हैं कि जो chromosome है उनकी किस तरह की structure है, कितना उनका number है और किस तरह का वो behavior mitotic division के time पे show करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से या एक फैमिली को दूसरी फैमिली से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, टैक्सोनॉमिकली. तो दैट स्टडी विच इन्वॉल्व द क्रोमोसोमल स्टडी फॉर द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी. ओके, सो साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आपके मेनली थ्री मेजर जो आपके प्रिंसिपल्स या फिर जो थिंग्स हैं दैट इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज द क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल बिहेवियर. ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है किसी स्पीसीज के अंदर, उनकी स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम्स की, और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर क्या है डिवीजन के टाइम पे. ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम जो साइटोटैक्सोनॉमी है उसकी हेल्प से जो टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन है उसको कैरी आउट करते हैं. ठीक है, कैरी ऑन करते हैं. तो जो क्रोमोसोमल नंबर है, क्रोमोसोमल नंबर का मतलब क्या है, जैसे कोई भी अगर हम स्पीसीज ले रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, तो उन सब में एक स्पेसिफिक प्लॉइडी लेवल होता है. ठीक है, स्पेसिफिक प्लॉइडी लेवल प्रेजेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. जो क्रोमोसोम है उनकी काउंटिंग होती है स्पेसिफिक. ठीक है, तो वो नंबर या काउंटिंग या प्लॉइडी लेवल दैट इज नोन एज द क्रोमोसोम नंबर. ठीक है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इट मीन्स गैमेटोफिटिक जो सेल्स होते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है आपके हैप्लोइड नंबर होता है. जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है उसके अंदर आपका डिप्लोइड नंबर होता है. ठीक है, हैप्लोइड नंबर मींस एन नंबर दैट इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, एक्स जो टर्म लेते हैं उसके इक्वल होता है आपका एन नंबर. अगर डिप्लोइड ले रहे हैं इट मींस डबल नंबर आ जाएगा, टू एन नंबर. लाइकवाइज टेट्राप्लोइड 4n, हेक्साप्लोइड 6n. ठीक है, इससे ऊपर आप जैसे ऑक्टाप्लोइड इस तरह से ले रहे हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, स्टेबल नहीं होती. ठीक है, तो हेक्साप्लोइड तक आपकी स्टेबल स्पीसीज आ सकती हैं. तो इसमें क्या है आपका, जैसे आप कोई भी ले रहे हो एस्ट्रेसी जैसे फैमिली अगर आप ले रहे हो, तो एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर जो एन नंबर है, जो प्लोइडी लेवल नंबर है, ठीक है, वो मिनिमम होता है, एन इज इक्वल टू टू. ठीक है, सिर्फ दो के इक्वल होता है आपका एस्ट्रेसी फैमिली में एन नंबर. ठीक है, तो यानी कि जो हैप्लोइड सेल्स हैं उनके अंदर आपका जो प्लोइडी लेवल होगा दैट इज हैप्लोइड, दैट इज इक्वल टू टू. जो आपके स्पोरोफिटिक बॉडी होगी उसमें इनका डबल हो जाएगा, फोर. ठीक है, देन जो लार्जेस्ट आपका प्लोइडी लेवल है, क्रोमोसोमल नंबर है, ठीक है, एन दैट इज इक्वल टू 132 दैट एग्जिस्ट इन पोइसिव फैमिली. ठीक है, सो लोवेस्ट जो आपका क्रोमोसोमल नंबर है दैट इज फाउंड इन एस्ट्रेसी, एंड लार्जेस्ट क्रोमोसोमल नंबर दैट इज फाउंड इन पोइसी. ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे जैसे ये आपका एन है दैट इज द हैप्लोइड नंबर, तो उसके बेसिस पे आप डिप्लोइड टेट्राप्लोइड या हेक्साप्लोइड के अंदर को कितना आपका नंबर होगा क्रोमोसोम का वो आप डिफाइन कर सकते हो. सपोज यहाँ आपके एन आप 132 ले रहे हो, अगर आप इसके डिप्लोइड स्पीसीज ले रहे हो, ठीक है, तो n क्या है आपका 32 के इक्वल है, तो 2n क्या हो जाएगा 132 मल्टीप्लाइड विद 2. ठीक है, लाइकवाइज जो टेट्राप्लोइड है वो क्या होगी 132 मल्टीप्लाइड विद 4. ठीक है,
हेक्साप्लॉइड जो होगा दैट इज 132 मल्टीप्लाइड विद 6. तो यहाँ पे जो हमारा n है दैट इज इक्वल टू 132 एंड 132 आल्सो नोन एज x नंबर, ठीक है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है. n जो होता है दैट इज द प्लोइडी नंबर, और जो x होता है उसको हम एग्जैक्टली काउंट ऑफ नंबर क्रोमोसोम बोलते हैं. तो जो n नंबर है दैट इज इक्वल टू x नंबर, ठीक है. जो प्लोइडी लेवल होगा, प्लोइडी लेवल में जो आपका n है वो एक प्लोइडी लेवल को डिफाइन करता है, तो वो आपका क्रोमोसोम नंबर के इक्वल होता है, ठीक है. तो जो भी आपकी प्लोइडी लेवल है, जैसे अगर आप हैप्लोइड प्लोइडी लेवल ले रहे हो, ठीक है, हैप्लोइड ले रहे हो तो उसमें आपका n नंबर x के इक्वल है. डिप्लोइड ले रहे हो तो x को आप डबल कर दोगे. टेट्राप्लोइड ले रहे हो 4 टाइम n नंबर हो जाएगा, ठीक है. लाइकवाइज एक्सा, तो इस तरह से आपका जो क्रोमोसोम नंबर होगा किसी भी स्पीशीज में, जैसे एस्ट्रेसी में है आपका 2 नंबर है, ठीक है. डिप्लोइड फॉर्म जब आप इसकी ले रहे हो तो 4 नंबर में आएगा. ओएससी में 132 तक आपका नंबर है. तो अब इनके क्रोमोसोम के बेसिस पे कितना नंबर उनके अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आप इन दोनों फैमिलीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. लाइकवाइज जैसे अगर आप हेक्साप्लोइड कोई स्पीसीज ले रहे हो तो हेक्साप्लोइड में क्या होगा आपका जो 2n नंबर है, ठीक है. सपोज डिप्लोइड जो फॉर्म ले रहे हो आप तो दैट इज इक्वल टू 42, ठीक है. जैसे अगर वीट के अंदर हम डिप्लोइड ले, डिप्लोइड वीट जो होगा आपका स्पोरोफिटिक जो सेल्स होंगे वीट के अंदर, तो वो ले रहे हैं तो 42 है, दैट इज द हेक्साप्लोइड वीट, ठीक है. हेक्साप्लोइड वीट जो कॉमन वीट हम यूज करते हैं ब्रेड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है. तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे अब 2n दैट इज इक्वल टू 42 डिप्लोइड जो मतलब हेक्साप्लोइड जो नंबर है, हेक्साप्लोइड नंबर है, इट मीन्स n किसके इक्वल हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू हेक्साप्लोइड वीट है तो 3x, ठीक है. यानी कि x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n के इक्वल आएगा हमारा, ठीक है. या फिर आप ये कह सकते हो जो 2n है दैट इज इक्वल टू 6x, ठीक है, 6x के इक्वल हो जाएगा. इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपका हेक्साप्लोइड वीट आएगा, ठीक है. तो हेक्साप्लोइड वीट जो ये आपका नंबर है दैट इज 42, तो 42 किसके इक्वल होगा आपका डिप्लोइड जो आपके सेल्स हैं, यानी कि डिप्लोइड आपके प्लोइडी लेवल के इक्वल होगा, ठीक है. तो इस तरह से जो क्रोमोसोम नंबर है और जो प्लोइडी लेवल है उसके बेसिस पे हम किसी भी स्पीशीज को या किसी फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है. सेकंड जो आप कहता है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में क्या लेते हैं हम कि जो क्रोमोसोम है उनका साइज क्या है, ठीक है. क्रोमोसोम के अंदर आपकी एक होती है सेंट्रोमियर, जैसे जो सेंट्रल पोजीशन होती है जिसके साथ में आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, अटैच होती है, ये और ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड होता है, ठीक है. ये इसके साथ में सिस्टर क्रोमेटिड है, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक सेम पॉइंट पे, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट, मतलब सेंट्रल तो नहीं हो सकता सब में, लेकिन ये कह सकते हो कि जिस भी पॉइंट पे आपके सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं उसको आप बोलते हो सेंट्रोमियर, ठीक है. तो दिस इज द सेंट्रोमियर, तो ये जो सेंट्रोमियर होगा, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, तो उसके बेसिस पे आप क्रोमोसोम को डिफाइन करते हो और उस क्रोमोसोम के बेसिस पे आप फर्दर स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. तो जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम के अंदर उसकी पोजीशन के बेसिस पे आप क्रोमोसोम को डिफाइन कर सकते हो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है. तो इसमें हम क्या लेते हैं, जो आपकी पोजीशन है सेंट्रोमियर की उसके बेसिस पे आप लेते हो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ टीलोसेंट्रिक, ठीक है. तो ये चार होती है आपकी. मेटासेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें सेंटर में आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, जो सिस्टर आर्म्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, क्लियरली इक्वल है सिस्टर आर्म्स.
सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है सेंट्रोमियर है वो सेंटर के नियर बाई है, ठीक है, यानी कि किसी एक आर्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक सिस्टर आर्म है वो उसके अंदर थोड़ी सी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, दूसरी के अंदर शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है नियर टू पोल, ठीक है, एक सिस्टर आर्म की तरफ ज्यादा होगा, मतलब एक सिस्टर आर्म का जो एंड पॉइंट होगा पोल होगा उसकी तरफ सेंट्रोमियर होता है। तो एक जो सिस्टर आर्म होगी वो बिल्कुल ही स्मॉल होगी और एक ज्यादा लार्ज होगी, ठीक है। टेलोसेंट्रिक का मतलब होता है एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होना, यानी कि एक ही सिस्टर आर्म जिसके अंदर प्रेजेंट हो उसको आप बोलते हो टेलोसेंट्रिक, ठीक है। तो जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की या क्रोमोसोम का जो नंबर है, सॉरी साइज है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो किसी ऑर्गेनिज्म को। तो अब ये जो क्रोमोसोमल साइज या पोजीशन है या फिर सेकेंडरी जो कंस्ट्रिक्शन है उसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसको आप स्टडी कैसे करते हो, दैट इज बाय द जी बेंडिंग, सॉरी बेंडिंग पैटर्न, ठीक है, बेंडिंग पैटर्न जिसमें हम डाई यूज करते हैं, और डाई वो आपकी डिफरेंट टाइप की होती है जिसके बेसिस पे जो बेंडिंग है, ठीक है, वो भी आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। बेंडिंग का मतलब होता है आपके बैंड्स प्रिपेयर होना, जैसे जो आपका क्रोमोसोम है वो आपके दो टाइप से होता है, हिट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। जो हिट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो आपके ऑलमोस्ट स्टेराइल टाइप आप बोल सकते हो, नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं और नॉन एक्टिव फॉर्म होते हैं, डार्क कलर में बैंड प्रोवाइड करते हैं। और जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो आपके थिन और एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपके लाइट कलर के बैंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो डार्क देन लाइट, ठीक है, इस तरह से देन डार्क देन लाइट, तो इस तरह से आपके बैंड प्रिपेयर हो जाते हैं, और उन बेंडिंग पैटर्न से आप क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो जो बेंडिंग है उसमें क्या है, आप डाई यूज करते हो फॉर डिफाइनिंग द हिट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, ठीक है, और डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। तो उसमें आपकी जो बेंडिंग पैटर्न है वो आपका अलग अलग टाइप से है, जैसे जी टाइप है, सी टाइप, क्यू आर, दैट इज बेस्ड ऑन द डाई यूज, ठीक है, जो भी डाई यूज, जैसमा डाई यूज हो रही है, ठीक है, तो मतलब जो भी आपकी डाई आप यूज करोगे उसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि जी बेंडिंग है, सी बेंडिंग है, क्यू बेंडिंग है या फिर आर बेंडिंग है, ठीक है। देन जो थर्ड फैक्टर है दैट इज द क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है। क्रोमोसोमल बिहेवियर का मतलब होता है जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले रहे हो, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो फर्टिलिटी फैक्टर है, ठीक है, फर्टिलिटी दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल पेयरिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। जो माइटोसिस म्योटिक जो डिवीजन है, सेल डिवीजन है, उसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर जब आपकी म्योटिक डिवीजन एम फेज जो आती है, ठीक है, तो एम फेज में जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस या माइटोसिस के अंदर जब क्रोमोसोम जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उनकी पेयरिंग और सेपरेशन, जैसे आपकी जो माइटोसिस या मियोसिस जो आप लेते हो उसके अंदर क्या होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो मेटाफेज जैसे प्रोफेज में अनबाइंडिंग होती है, मेटाफेज में प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, उसके बाद जो आपकी एक्ट्रोफेज होती है उसके अंदर आपकी स्पिंडल फॉर्मेशन होके थोड़ा थोड़ा सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, और टेलोफेज में एंड पॉइंट पे पहुंच के वो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जो ये पैटर्न है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेयरिंग हो रही है उसके बाद उनका सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो जो पेयरिंग और सेपरेशन है उसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फर्टिलिटी है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलिटी फैक्टर जो होगा उसको हम क्रोमोसोम बेसिस पे डिफाइन करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर हम जो स्पीसीज हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर स्पीसीज के अंदर मेल और फीमेलनेस है, कौन सा मेल प्लांट होगा, कौन सा फीमेल प्लांट होगा, ये स्पीसीज फर्टाइल है या स्टेराइल है, ठीक है। तो वो जो भी डाटा है दैट इज कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर, ठीक है। जो स्नेपसिस स्नैप फॉर्मेशन हो रही है, स्नेपसिस हो रही है, उसके बेसिस पे हम
जो टैक्सोनोमी है, इनकी क्लासिफिकेशन जो है या आइडेंटिफिकेशन है, या किसी भी प्लांट जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे